और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। बस मैंने हर सुबह सुबह मैंने मशीन लगा लेती हूँ, आज धूप भी अच्छी लगी हुई है। यहाँ एक बार मशीन लगा के मैंने कपड़े वगैरह धो लिए और दोबारा फिर मैं मशीन लगा के ना तो फिर धोने लगे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार धो लेती हूँ, तो उसके बाद दोबारा फिर मशीन लगा के ना तो फिर धो लूँगी। ऐसे ही है कि कपड़े भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अभी मैं ये मशीन जो है ना ये बाहर निकाल ली है ताकि अच्छी तरह से निथाड़ लूँ और फिर बाद में एक दफ़ा स्पिनर कर लूँगी, एंड में सारा कपड़ा धो के ना फिर एक बार स्पिनर करना है करूँगी। यहाँ दोनों मशीनों को मैंने बाहर निकाल के तो इधर मैंने कपड़े सारे धो के रख दिए हैं, सारे मैंने निथाड़ लिए, माशाल्लाह कपड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। देखिए कुछ कपड़े मैंने ऊपर रखे हैं, कुछ मैंने इधर उन्हें डाल दिए नीचे जो है, कुछ ये ऊपर लेके जा रही हूँ। कुछ कपड़े ऊपर डाल दूंगी, कुछ कपड़े नीचे ही फैला वगैरह दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे इसलिए कपड़े नहीं छत पे पूरे नहीं होने थे, मैं कुछ नीचे ही जो लॉन वगैरह के नीचे डाल दूंगी, बाकी छत पे डाल देते हैं। ये मैं आपको पौधे दिखाती हूँ अपने, ये स्पैरो वगैरह को खाना दिया हुआ है, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा कलियाँ खिली हुई थी, मतलब कि ये चमेली के फूल और ये दूसरा भी येलो भी और रेड भी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे पौधे। हरियाली हरियाली ना बहुत प्यारी लगती है। अब इनको पानी वगैरह दे देती हूँ, कपड़े वगैरह डाल के ना फिर इनको पानी वगैरह दे दूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गुलाब है, बहुत प्यारे लग रहे थे। और नीचे जाके बाकी कपड़े नीचे वगैरह डाल देती हूँ। अभी कुछ कपड़े मैंने इधर डाले हैं और बाकी ये कपड़े ये भी मैं इधर कोई चारपाई के ऊपर कोई इधर वगैरह ना रख देती हूँ ताकि इधर ही सूख जाएंगे, बाकी सारे छत पे डाल रही हूँ। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ ये बीफ का गोश्त। देखिए ये वही प्रेशर जस में मैंने पालक उबाइल की थी, कितना काला हो गया था, अब इसकी अच्छी तरह इसकी सफाई की है मैंने। इसमें प्याज और मैंने टमाटर ऐड कर दिया और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ उसमें मैं। उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और पानी भी ऐड कर दिया, नमक मिर्च हल्दी भी ऐड कर दी। अब इसको मैं बंद कर दूँगी 15 मिनट के लिए। और इसमें घी ऐड करके तो इसकी मैं बुनाई कर लेती हूँ। और इसमें मैं डाल देती हूँ गरम मसाला और इसकी साथ साथ बुनाई करते रहते हैं, एक तरह दूसरी तरह मैं रोटी बना लेती हूँ। आज मैं यहाँ बनाने लगी हूँ फिरनी और यहाँ पर सूजी, वो मैं बनाऊँगी हलवा मखंडी हलवा, और यहाँ पर मैं फिरनी बनाने लगी। दूध को मैंने ना 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, तो इसको मैंने काफ़ी थिक कर लिया, ये देखिए दूध। यहाँ पर चावल भी मैंने भिगो के इसको इतना हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया, देखिए बिल्कुल बारीक नहीं की है। और दूध भी देखे काफ़ी ना थिक हो गया है,
इसको एक घंटे के लिए मैंने रखा है, अभी मज़ीद आधा घंटा और रखूँगी इसको ताकि ज़्यादा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसकी अच्छी लगती है वो फिरनी जो है ना, फिर टेस्ट अच्छा आता है इसमें। तो यहाँ पर सूजी को मैंने खंडिया हलवा बनाने के लिए ये सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान ली है, ये एक डब्बा था और यही मैं इसमें एक ऐड कर दूँगी दूध में, दो घंटे के लिए इसको रख दूँगी। और अब ये चावल है ये इसमें ऐड कर देती हूँ, और चावल ऐड करने के बाद आपने चमचा नहीं छोड़ना, अब चमचा आपने हिलाते जाना क्योंकि चावल अगर डालेंगे तो फिर बाद में ये गुठलियाँ बन जाती, छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो आपने ये चावल ऐड करके चमचा आपने हिलाते जाना, ठीक है। यहाँ चावल मैं डाल के हिलाती जा रही हूँ इसको, चावल तो खैर आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक है, इसलिए हिलाते जाएंगे इसको ना, ना ज़्यादा तेज़ है आज ना इतनी हल्की है। यहाँ इसको भी मैंने सूजी को भी डिप करके रख दिया है, इसमें ये गिलास पूरा भर के डाला था, थोड़ा सा दूध कम है, दूध आने वाला है आधा गिलास में इसमें और ऐड कर दूँगी, ये देखना थोड़ा सही है लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मैं दूध नहीं कम कर सकती थी क्योंकि फिरनी में दूध ज़्यादा हो ना तो चावल कम हो तो फिर ही अच्छी लगती है, फिर गाढ़ी गाढ़ी बनती है, अच्छी बनती है। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन अगर दूध को थिक करके आप बनाएंगे ना तो आपकी भी फिरनी बहुत अच्छी, बहुत लजीज मज़ेदार बनेगी। देखिए छोटे छोटे आपको ज़रे नज़र आ रहे हैं चावलों के, आप भी ऐसे मेरी तरह जैसे मैं बना रही हूँ उससे फॉलो करके आप भी ऐसे बनाएंगी, आपको भी बहुत अच्छे खाने बनेंगे, जो भी आप बनाएंगी ना जैसे मैं बनाती हूँ आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगी तो आपके भी बहुत अच्छे खाने बनेंगे। अब इसको मैं हिलाती जाऊँगी तकरीबन अभी एक से डेढ़ घंटा भी लग सकता है इसको, तो फिर इसके बाद मैं चीनी ऐड कर दूँगी इसमें। यहाँ एक घंटा हो गया इसको पकने के लिए मैंने रखा हुआ था भिंडी को, और इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, आपको लग रही होगी चीनी कम है लेकिन मैं इतनी ही ऐड करूँगी क्योंकि मैं भी बहुत कम चीनी इस्तेमाल करती हूँ और हस्बैंड भी, तो ये चीनी इसमें ऐड कर देती हूँ। और हल्की आंच पे अब इसको मैं पकने दूँगी, नमाज अजान हो रही है नमाज पढ़ लेते हैं, इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। और ये देखिए चावल भी देखे हमारे कितने अच्छे से ये गले हुए हैं, इसकी मैंने आंच बिल्कुल हल्की सी कर दी है, और अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, नमाज इतनी देर पढ़ लेते हैं क्योंकि मगरब की नमाज का टाइम ना बहुत कम होता है इसलिए। और इसमें मैंने ये नारियल की गिरियाँ ये काट के मैंने डाल दी और काफ़ी हद तक ये बन गए, बाद तकरीबन 10 मिनट तक इसे और रखूँगी। और यहाँ पर मैंने बादाम तोड़े थे और काफ़ी ये टूट गए थे, फिर मैंने इसको ऐसे ही बना दिए मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही डाल लेते हैं, पहले वैसे मैंने इसको कटिंग करके ना छुरी के साथ डालना था, फिर मैंने ऐसे पीस लिए इसको, डर डरा सा कर लिया, ऐसे भी अच्छे लगेंगे। हस्बैंड को वैसे भी ना ये गिरिए बादाम ये ज़्यादा नहीं खाते, ये कहते हैं कि इसमें हो ना, उनको नहीं पसंद, खुशक होती है ना तो फिर खांसी ऐसे आ जाती है, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो भी गिरिया होती है मैं अपने कोली में मैं ऐड कर लेती हूँ, हस्बैंड को वैसे दे देती हूँ, खा भी लेते हैं और नखरे भी करते हैं। आप में से भी किसी के हस्बैंड को नहीं पसंद होंगी ये गिरिए बादाम, ऐसे मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा डालती हूँ लेकिन इसमें मैंने बहुत कम कम रखी है, आधा मैंने रख ली है नारियल था एक, आधा मैंने उसमें डाल लूँगी हलवे में और बाकी फिरनी में,
जी अब तैयार हो गई है हमारी फिरनी, उसको उतार देते हैं। मेरे देखने में भी आपको यमी यमी सी लग रही होगी, बनी भी बहुत अच्छी होगी, मैंने टेस्ट की है। और यह मैं अपना लगे मखंडी हलवा, इसके लिए मैंने चीनी इसमें ले ली है, जितनी मेरी सूजी थी उतनी मैंने चीनी ले ली है। उसमें मैंने दूध डाल के ना, ये देखिए इतना सा मिक्सर ऐसे बना है, ना ये ठीक है ना ये नरम है। 2 घंटे 2.5 घंटे मतलब इसे हो गए हैं, मैं दूध वाला काफ़ी लेट आया था इसलिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ एक साइड पे, इधर मैं हलवा बनाने लगी हूँ। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। अब इसको हलाते जाएंगे, और आपने ऐसे हलाते जाना जब तक ना इसको बॉयल आ जाएगा ना, तब तक इसको हलाते जाना आपने। यहाँ देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, बबल बनने शुरू हो गए हैं, फिर भी अभी हम इसको हलाते जाएंगे। और अभी यहाँ पे मैंने डाल दिए है घी, जितनी मैंने चीनी ली थी ना थोड़ा सा कम बस मैंने घी डाला है, मुझे पता है जितना अंदाजे से मैंने डाल दिया, लेकिन इतना डाला जितनी मैंने चीनी ली थी, थोड़ा सा कम सा। तो जैसे इसका कलर हो गया, थोड़ा सा और डार्क करेंगे इसका कलर को। ये देखो यहाँ पर काफ़ी थिक हो गया, लेकिन फिर भी आपने तेज़ तेज़ी से चम्मच हलाते जाना है। अब ये देखो ये इस कलर का हो गया, और आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, ये कलर मुझे चाहिए था। और अब मैं इसमें मिक्सचर ये ऐड कर देती हूँ, और आँच मेरी अभी तक बंद ही है। अब मैं आँच मैंने जला दी नीचे आग, और इसको हलाते जाना। सुन ईशा की अजान भी हो रही है, और अब आपने ना इसको आधा से पौना घंटा आपने इसको ऐसे ही पकाते रहना, चमचा हलाते रहना है ऐसे ऐसे करके, और पकाते रहना है इसको, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, चमचा बिल्कुल लगातार ही आपने हलाते रहना है आधा से पौना घंटा तक। और आँच ना ही मैंने तेज़ रखी है और ना ही मैंने इतनी हल्की रखी है, बस दरमियानी सी रखी हुई है। ऐसे हलाते जाएंगे ऐसे, फिर रपटी सा बन जाएगा। यहाँ मैं मखंडी हलवे बनाते हुए मुझे आधा घंटा मिल रहा, कि जब से मैंने कहा था ना कि आधा घंटा ये पौना घंटा लगाऊंगी, आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा हो जाए ना तो ये घी खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा। आपने इतने देर तक पकाते रहना है, ये देखे मैंने कहा कि ना ये देखे कितना अभी ना इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 10 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगी, और इसमें मैंने घी ऐड कर दी थी। ये फाइनल लुक, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हैं, मैंने कहा कि देखिए बहुत जमी, बहुत ही मज़े की है। देखिए चीनी भी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, आप भी ट्राई करके देखें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, क्योंकि मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है इंसान का। इतने पैसे लगाने होते हैं और फिर भी आप चीज़ ना अच्छी बनाए तो पैसा कोई नहीं होता, इससे बेहतर है कि आप अम्मी की तरफ ही थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, मैंने टाइम लगा लिया करें, की थी बर्थडे की, चीज़ भी अच्छी बन जाती है। मैं एनिवर्सरी करती हूँ, बर्थडे वगैरह नहीं मनाती, पैसे भी इंसान के पूरे हो जाते हैं। खैर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी।
अरे कहना क्या चाहते हो? आज बर्थडे थी मेरी 8 सितंबर को और छोटा सा सेलिब्रेशन किया था घर पे ही। मैं ज़्यादा नहीं मनाती अपनी बर्थडे और थोड़ी सी बात करूँगी नैना के ऊपर। जो भी हुआ अल्लाह ताला उसको सेहत दे और लोगों को हदायत दे, किसी के ऊपर इतनी बातें ना करें कि वो डिप्रेशन में ऐसे चले जाए या परेशान हो जाए। अल्लाह ताला नैना को भी सेहत दे और उनके जो भी मुखालफ बने हुए हैं उनके ऊपर बातें कर रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला हदायत दे। बाकी व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपकी अच्छी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।